वेलकम बैक फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। मरे हुए पोलोनियस को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। ऑलमोस्ट एज ब्लडी अ डीड एज किलिंग द किंग एंड मैरिंग हिज ब्रदर। ये वैसे ही बुरा काम है। ब्लडी डीड का मतलब खून से भरा हुआ खूनी काम, जितना राजा को मारना और उसके भाई से शादी कर लेना। हैमलेट टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ को ताना मारते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब तुम्हारा, आस्क्ड गर्ट्रूड। गर्ट्रूड ने पूछा फ्राइटेंड, डरे हुए, व्हाट हैव आई डन दैट यू आर सो एंग्री विद मी, मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझसे इतना नाराज़ हो। व्हाट हैव यू डन, क्या किया है तुमने। ही हेल्ड टू पोर्ट्रेट्स इन फ्रंट ऑफ हर, उसने उसके सामने दो तस्वीरें रखी। यू सी दिस पिक्चर्स, इन पिक्चर्स तस्वीरों को देख रही हो। सी दी ओल्ड किंग, पुराने राजा को देखो। हाउ फुल ऑफ डिग्निटी, कितना शान से भरा हुआ है ही वॉज, वह था। हाउ प्राउडली हिज ग्रे हेयर स्टूड ओवर हिज फोरहेड, फोरहेड होता है माथा, ग्रे मतलब सफ़ेद बाल। उसने कहा कि कितने शानदार लग रहे हैं उसके माथे पर जो उसके बाल गिरे हुए हैं। दिस वॉज योर हस्बैंड, यह तुम्हारा पति था। एंड नाउ लुक एट दिस अदर पिक्चर, और यह दूसरी तस्वीर देखो। ही लुक्स लाइक मिल्ड्यू कंपेयर्ड टू द किंग, मिल्ड्यू होती है फफूंद, जैसे पुरानी जैसे रोटी पर आ जाती है कई दिन पड़ी हो तो, मिल्ड्यू। क्लॉडियस की तस्वीर को बोला, ये दूसरे असली पुराने राजा के तुलना में ये तो एक फफूंद की तरह लग रहा है। हाउ कुड यू फॉरगेट द वाउस यू एक्सचेंज्ड विद माई फादर, तुम कैसे भूल सकती हो वो वादे जो तुमने मेरे पिता से किए थे। एंड मैरी दिस ऑफुल मैन, और इतने घटिया आदमी से शादी कर ली तुमने, ऐसा कैसे कर सकती हो। एट योर एज यू शुड हैव हैड मोर सेंस, जितनी तुम्हारी उम्र है तुम्हें इससे ज़्यादा समझदारी दिखानी चाहिए थी। लेट्स टर्न ओवर, से नो मोर हैमलेट, और मत कुछ कहो हैमलेट, क्राइड द क्वीन इन एंग्विश। एंग्विश होता है बहुत ज़्यादा सदमा, दुख। दुख में उसने कहा कि बस करो। रानी ने यह कहा, यू शो मी द वेरी डार्क डेप्थ्स ऑफ माई सोल, तुमने मेरे आत्मा की काली सच्चाइयाँ गहराइयाँ दिखा दी। योर वर्ड्स आर लाइक डैगर्स, एक खंजर की तरह तुम्हारे शब्द इन माई हार्ट, मेरे दिल में चीर रहे हैं मेरे दिल को। यू शी कवर्ड हर ईयर्स, उसने अपने कान बंद कर लिए। यू मैरिड अ विलेन एंड अ मर्डरर, तुमने एक दुष्ट आदमी से और कातिल से शादी की है। अ मैन हु स्टील्स फ्रॉम द पीपल, जो लोगों से पैसा चुराता है लोगों का। हु स्टोल द क्राउन एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, जैसे उसने मुकुट चुरा लिया, क्राउन होता है मुकुट, ताज, और अपनी जेब में डाल लिया। जस्ट देन द गोस्ट ऑफ द ओल्ड किंग अपीयर्ड, उसी समय पुराने राजा का भूत वहाँ पर प्रकट हुआ। डू नॉट टॉर्चर हर एनी मोर, इसे और ज़्यादा टॉर्चर मत करो, परेशान मत करो। शी विल सफ़र इनफ ऑन हर ओन, ये अब इसके बाद खुद ही दुखी होती रहेगी, अब इसको दुख उठाना पड़ेगा, इतना ही बहुत है इसके लिए। आई हैव कम टू टेल यू नॉट टू फाल्टर इन योर एक्शंस, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि अपने कामों में हिचकिचाना मत, फाल्टर होता है हिचकिचाना। लीव हर अलोन, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, अकेले छोड़ दो। द रियल विलन इज़ क्लॉडियस, असली विलन तो, खलनायक तो क्लॉडियस है। एंड यू मस्ट किल हिम, और तुम्हें उसको मारना है। हु आर यू टॉकिंग टू, आस्क गर्ट्रूड, रानी ने पूछा तुम किससे बात कर रहे हो, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा। हैव यू रियली गॉन मैड, क्या तुम सचमुच पागल हो गए हो। दैट यू स्पीक टू द वॉल, कि दीवार से बातें कर रहे हो। मदर डोंट ट्राई टू फूल योर सेल्फ, माँ खुद को धोखा देना बंद करो, कोशिश मत करो। दैट आई हैव गॉन मैड, कि मैं पागल हो गया हूँ। एंड दैट इट इज़ नॉट योर ओन गिल्टी कॉन्शियंस दैट मेक्स यू फ्राइटेंड, और ऐसा भी धोखा देना बंद करो अपने आप को कि यह तुम्हारी खुद की अंतरात्मा है जो अपराधी है, कॉन्शियस के अंतरात्मा, दैट मेक्स यू फ्राइटन, जिससे तुम्हें डर लग रहा है। रिपेंट वाइल यू कैन, जब तक हो सकता है इसका पछतावा करो। अवॉइड द किंग इन द फ्यूचर, और आज का जो राजा है क्लॉडियस उससे बच के रहना। आई एम सॉरी फॉर हैविंग किल्ड पोलोनियस, मुझे पोलोनियस को मारने का दुख है। बट इफ़ इट वॉज फेटेड, लेकिन ये अगर फेट था, उसका किस्मत में लिखा ही था। देर वॉज नथिंग दैट कुड हैव स्टॉप्ड इट, तो ये होना ही था, होने को कोई नहीं टाल सकता था। हेवन वॉन्ट्स मी टू अवेंज द मर्डर ऑफ माई फादर, स्वर्ग यानी कि भगवान चाहते हैं कि मैं अब
अपने पिता का ही मर्डर करूं। आई एम नॉट रियली मैड, लेकिन मैं सच में पागल नहीं हूं। बट डोंट लेट द किंग नो दिस, लेकिन राजा को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। डोंट स्पीक टू हिम एट ऑल, उससे बिल्कुल भी इस बारे में बात मत करना। स्पेंड योर टाइम प्रेइंग टू गॉड, और उससे बात भी मत करना, अपना समय प्रार्थना में बिताओ एंड रिपेंट, और पछतावा करो। हैमलेट लीव्स फॉर इंग्लैंड, हैमलेट इंग्लैंड के लिए चला जाता है, निकल जाता है। क्लॉडियस वॉज स्केर्ड, क्लॉडियस डर गया था इसके बाद। ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हैमलेट, गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाना, वो हैमलेट से छुटकारा पाना चाहता था। बिफोर द यंग मैन ओपन्ड हिज माउथ, इससे पहले कि हैमलेट यंग मैन जो नौजवान था वो अपना मुंह खोलता, एंड लेट आउट हिज सीक्रेट, और उसका भेद खोल देता सबके सामने। द डेथ ऑफ पोलोनियस गेव क्लॉडियस एन एक्सक्यूज टू सेंड हैमलेट अवे टू इंग्लैंड, उसे पोलोनियस की मृत्यु से बहाना मिल गया हैमलेट को इंग्लैंड भेजने का, बाय शिप, शिप में, जहाज में, समुद्री जहाज में। द कोर्टियर्स अकम्पनिंग हिम हैड लेटर्स सेइंग हैमलेट वाज टू बी पुट टू डेथ एज सून एज ही रीच्ड इंग्लैंड, और उसके कुछ दरबारी उसके अकम्पनी मतलब उसके साथ जा रहे थे, जिनको लेटर में लिखा गया था कि हैमलेट को मार दिया जाना है इस जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचता है। हैमलेट एक्सपेक्टिंग ट्रेचरी, ट्रेचरी होती है धोखा, हैमलेट को धोखे की उम्मीद करते हुए गॉट होल्ड ऑफ द लेटर्स, उसने वो लेटर्स हथियार लिए, रेड देम, उनको पढ़ लिया, एंड इन प्लेस ऑफ हिज ओन नेम, और खुद के नाम के जगह रोड द नेम्स ऑफ द कॉर्टियर्स, उन दरबारियों के ही नाम लिख दिए अकम्पनिंग हिम जो उसके साथ जा रहे थे। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद देयर शिप वॉज अटैक्ड बाई पायरेट्स, उनके शिप पर समुद्री डाकुओं का हमला हुआ, पायरेट्स, हैमलेट एस्केप्ड, हैमलेट बच गया, एंड रोट टू होरेशियो, और उसने होरेशियो को लेटर लिखा, पत्र लिखा, आस्किंग हिम टू कम एंड सी हिम, ताकि वो उससे आकर के उसे मिले। ही ऑल्सो रोट टू क्लॉडियस, उसने क्लॉडियस को भी लिखा, सेइंग दैट ही वुड सी हिम द नेक्स्ट डे, सेइंग, ये कहते हुए लेटर में कि पत्र में कि वो उसे कल मिलेगा, एंड रिलेट हिज स्ट्रेंज एडवेंचर्स, और बताएगा अपनी स्ट्रेंज अजीब यात्राओं के बारे में जो रास्ते में उसने देखी। क्लॉडियस वॉज फ्रेंटिक, फ्रेंटिक होता है पागल हो गया वो एक तरह से, और सुध बुध खो बैठा क्लॉडियस। हैमलेट हैड एस्केप्ड, ये सुन करके कि हैमलेट बच गया था, एंड वॉज रिटर्निंग, और वापस आ रहा था। ही ग्रू क्वाइट डेस्परेट, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई क्लॉडियस की। इट मस्ट नॉट बी थॉट दैट लैटिस पोलोनियस सन टुक द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हिज फादर क्वाइटली, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पोलोनियस का बेटा जो लैटिस था उसने अपने पिता की मौत को चुपचाप स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं था। ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा था, नाराज था, एंड हर्ट, उसे चोट पहुँची थी, एंड स्टार्टेड इंस्टिगेटिंग द पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द किंग, और उसने लोगों को भड़काना, इंस्टिगेट होता भड़काना शुरू कर दिया कि राजा के विरुद्ध रिबेल कर दो विद्रोह करने के लिए। द डेन्स डिड नॉट नीड एनी एक्सक्यूज, और वहाँ के लोगों को डेन्स बोलते थे, लोगों को डेन्स को कोई बहाना की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज दे हेटेड क्लॉडियस, क्योंकि वो पहले ही क्लॉडियस से नफरत करते थे। द किंग कॉल्ड लैटिस, राजा ने लैटिस को बुलाया, व्हाई आर यू बिहेविंग सो अनरीजनेबली, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि तुम इतना अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो। आज इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन द रेस्ट इन द नेक्स्ट, कीप इंजॉइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।